हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोवोमन और मेरा नाम है अमनदीप। दोस्तों, आज बारिश हो रही है बाहर, बहुत ही बढ़िया मौसम है और मैंने अभी वीडियो बनाने की सोची और आपसे शेयर करने की सोची। आज की जो वीडियो है वो है टॉपिक किस पे, नी पेन पे। मेरे को मैसेज आए थे, कमेंट्स आए थे वीडियो के नीचे, प्लीज़ इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, मेरे को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तो जानकारी नहीं है, बट फिर भी जितनी मेरे को जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा ये वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जो आपके नी पे पेन होती है, ठीक है, उस चीज़ को मेडिकल भाषा में बोलते हैं पैटिलो फेमोरियल पेन सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, ये होता क्यों है? ओवर यूज ऑफ नी कैप, ठीक है, या इंजरी टू योर नी कैप। बेसिकली अगर आप अपना साइकिल गलत तरीके से चला रहे हो, ठीक है, और ओवर लोड कर रहे हो अपनी नी को, या जो बेसिकली आपका जो एंगल है साइकिलिंग का, आपकी जो टांग का जब जो एंगल बनता है वो सही नहीं है, तो उसकी वजह से ये पेन हो सकता है। और अगर जैसे ओल्ड गाइज होते हैं, ओल्ड ठीक है पीपल होते हैं, उनको अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसकी वजह से भी, किसी और कारण की वजह से भी हो सकता है जो नी पेन है। अगर नी पेन रहता है, एक दोस्तों चीज़ याद रखना है, मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरे को इसके बारे में बहुत ज़्यादा ही पता है, बट जितनी मेरे को थोड़ी बहुत यानी भी मैंने सुना है या मैंने पढ़ा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ भी प्रॉपरली यानी कुछ एक्शन लेने से पहले अगर आप इससे जूझ रहे हो तो मेडिकल प्रोफेशनल से भी कर लेना डिस्कस, और इसके बारे में खुद रिसर्च कर लेना ताकि आपको पता रहे आप क्या कर रहे हो। मैं तो अपनी बस एक छोटी सी जो मेरे पास नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपकी रेगुलरली पेन होती रहती है नी में, ठीक है, तो वो सही नहीं है। कभी कभी होती है तो वो बात अलग है, बट अगर आपकी रेगुलर होती है नी पेन तो आप उसको सही करने के लिए क्या कर सकते हो? पहली बात, जो आपकी सीट हाइट है वो शायद गलत हो सकती है। अपनी सीट हाइट को ऐसा रखो जो आपके नी में बेंड है वो कम से कम आए। हाँ, इतनी ऊपर भी नहीं रखनी कि आपका जो पिछवाड़ा है वो इधर उधर ही डांस करता रहे, उतनी नहीं करनी, बट फिर भी उस हिसाब से आप उसको ऊपर या नीचे करके देखो। प्रॉपरली अगर सीट हाइट होगी तो सही आपका जो एंगल है वो बनेगा, ओवर स्ट्रेस नहीं होगी नी, क्योंकि जनरली क्या होता है अगर आप सीट नीचे रखते हो तो जो नी है उसमें बेंड बहुत होता है, जो लेग में बेंड बहुत होता है, तो ओवर स्ट्रेस हो सकती है जब आप लो स्पीड पे हो या जब आप चढ़ाई चल रहे हो। हाँ ठीक है, और यूज़ लाइटर गियर्स, यहाँ पे इसलिए गियर वाला साइकिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ठीक है कोई नी का ऑपरेशन हुआ है या कोई नी की इंजरी से गुजर रहे हो तो अगर आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया साइकिल करो तो सिंगल स्पीड वाला साइकिल कभी मत लेना, गियर बाइक लेना और लाइट गियर यूज़ करना। आपकी जो पैडलिंग है 80 to 90 पैडल्स पर मिनट होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्पेशली आप जब अगर चढ़ाई पे भी चढ़ रहे हो तो तब आपने ज़्यादा जोर नहीं लगाना नी पे, हल्का गियर डालो, पैडल ज़्यादा मारो और चढ़ाई करो, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और हाँ, एक और चीज़ मैंने देखी है, जो बिगिनर राइडर होता है वो क्या करता है, जैसे हम मोटर बाइक में बैठते हैं टांगें चौड़ी करके, ठीक है, जो अपनी टांगें हैं वो बाहर की तरफ रखते हैं, साइकिल पे वैसे नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि उससे ओवर स्ट्रेस होता है नीज़ को, नीज़ चल बनी है यानी टांगें बनी है सीधी रहने को, जो नीज़ है सिर्फ ऐसी है टांग और ऐसे ऐसे फोल्ड होने के लिए बनी है। अगर आप उसको ऐसे टेढ़ा कर दोगे, ठीक है, फिर उसमें फोल्ड आएगा तो पेन होना लाजमी है, ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो अपना नी का एंगल है, ठीक है, जो अपनी टांग का एंगल है वो नी को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करो, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मत करो। ज़्यादातर तो लोग मैंने देखे हैं वो बाहर की तरफ रखते हैं टांग को, नी को, तो उसकी वजह से भी ये पेन हो सकता है। बाकी न्यूट्रिशन वैल्यू की वजह से कि कईयों में न्यूट्रिशन नहीं होती अच्छे से, तो उसकी वजह से मे बी, पक्का नहीं है मेरे को, अपना न्यूट्रिशनिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हो, बट मेरे को यह कारण पता है,
जिनसे ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। मैं जब छोटा होता था तब मैं सिंगल स्पीड ही साइकिल चलाता था, शायद इसलिए तब मेरे ज़्यादा नी पेन होती थी। बट फिर बाद में मैंने गियर साइकिल ले लिया, उसके बाद में नी पेन जैसा कुछ खास मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ, मेरे में ऐसे होता है सर्दियों में नी पेन होती है, गर्मियों में नहीं होती। यानी अगर घुटने को थोड़ी बहुत सर्दी लग रही है तो उसकी वजह से नी पेन होती है। इसीलिए मैं क्या करता था, हमेशा जो साइकिल है ठीक है उसमें लाइट गियर डाल के पैडलिंग ज़्यादा कर लेता है। मैं तो दोस्तों जब अगर मैं थका होता हूँ, मेरे नी पेन हो रही होती है, तो मैं 80-90 तो छोड़ो, 100-110 इतनी आरपीएम रखता हूँ अपने साइकिल के पैडल्स की, तो वो नी पेन थोड़ा कम हो जाता है या बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, और इसके बारे में अगर आपको सच्ची में नी पेन हो रही है तो आप इसके बारे में रिसर्च करो और एक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना। अगर ये नी की प्रॉब्लम ज़्यादा टाइम तक प्रसिस्ट करते, ज़्यादा टाइम तक रहती है, तो ध्यान देना इस चीज़ पे, इसको अनदेखा नहीं करना, ठीक है? क्योंकि ये आपकी हेल्थ ही वेल्थ है। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, अच्छा खाओगे पियोगे नहीं, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखोगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। पैसा कमाना भी ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है, और रेस्ट करना भी ज़रूरी है। हाँ, अगर आपकी रेस्ट की बात से मेरे को याद आया, अगर आपकी नी में पेन होता है और अगर आप जो मैंने तीन चीज़ें बताई है ये सारी की सारी सही कर रहे हो, फिर भी पेन हो रहा है, तो हो सकता है कोई माइनर सी इंजरी हो, ठीक है? तो आप साइकिलिंग को थोड़े टाइम के लिए या तो बहुत ही कम कर दो या थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, यानी आधा एक हफ्ता, तो जो नी में थोड़ी बहुत डैमेज हुआ होगा वो रिपेयर हो जाएगा। रिपेयर होने के बाद आप ग्रेजुअली, ठीक है, एकदम से वैसे पहले जितना नहीं साइकिलिंग करना, एकदम से ग्रेजुअली ऐसे धीरे धीरे थोड़ा 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 किलोमीटर बढ़ाओ, फिर मे बी ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि बाकी अगर आप चीज़ें सही कर रहे हो। सो ये चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना, और मैं होप करता हूँ आप सभी हेल्दी रहो, ठीक है, इन्जॉय करते रहो अपनी स्पोर्ट्स को, और ऐसे ही मेरे साथ सीखते रहो। और दोस्तों मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर किया करो अपने जो कम्युनिटी के जो आपके ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप के, ठीक है, फेसबुक पे होते हैं, वहाँ पे ज़रूर शेयर किया करो, ताकि जो मैं शेयर करता हूँ वो औरों तक भी पहुँचे, ठीक है? और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आप न्यू सब्सक्राइब करो, लाइक करना ज़रूर, क्योंकि जब आप लाइक करते हो और या जब आप कमेंट करते हो तो यूट्यूब को लगता है कि इस वीडियो में कुछ बात है, तो वो फिर और लोगों को आगे सजेस्ट करता है, तो फिर मेरी वीडियो को भी हेल्प होगी और जो नॉलेज मैं शेयर कर रहा हूँ वो और लोगों तक पहुँचेगी, ठीक है? तो दोस्तों एंजॉय करते रहो, रेनी सीजन का मज़ा लो, बाहर निकलो साइकिलिंग करने, अगर साइकिल नहीं चलाना मेरी तरह, ठीक है, मैंने इसलिए अपना पुराना साइकिल मैंने वो रिपेयर कराया, तो वो मैं बारिश में चलाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा कभी वीडियोस। बड़े अभी बारिश में थोड़ी सी बोरिंग में भी लगती है वीडियोस, बाकी ट्राई करेंगे, बहुत टाइम हो गया। मैं एक वीडियो का लिंक डालूंगा ऊपर, मैंने एक बारी वैसे ही शूट की थी, और जो म्यूजिक बनाया था वो वीडियो का वो मैंने खुद बनाया था अपने मोबाइल पे, तो वो वीडियो ज़रूर देखना, मैं ऊपर लिंक पे शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी साइकिलिंग, बाय बाय। Oh,